बिसम अलैक्म डर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ वीक नंबर एट ऑफ द कोर्स मोबाइल एड हॉक नेटवर्क इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड सम नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क लास्ट थ्री वीक्स में हमने नेटवर्क लेयर को डिटेल से पढ़ा रिलेटेड विद मोबाइल एड हॉक नेटवर्क कौन कौन से इश्यूज हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं दैट वी नीड टू एड्रेस वाइल डिज़ाइनिंग अ सोलूशन फॉर द नेटवर्क लेयर फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क और फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं किस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एंड सो ऑन इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू शिफ्ट The transport layer. However, before uh, exploring the transport layer issues and challenges for mobile ad hoc network, it is of core importance to review some concepts which are related with the transport layer. As you know, the TCP/IP model has different layers. उसी में से एक लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द हर्ट ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल और उस लेयर को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर यू कैन दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ एक्चुअली द सेंट्रल पीस ऑफ द लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर और यू कैन से दैट इट इज़ लाइक द हर्ट ऑफ द टीसीपी प्रोटोकॉल सूट अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की लोकेशन के बारे में बात करें सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क लेयर यानी इससे अबव हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है व बिलो द ट्रांसपोर्ट लेयर वी हैव द नेटवर्क लेयर अनदर इम्पोर्टेंट फीचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज दैट इट लिव्स इन द एंड सिस्टम्स एंड सिस्टम आपके पास आप क्लाइंट भी ले सकते हैं आप सर्वर भी ले सकते हैं दोनों पे ये इम्प्लीमेंटेड होता है एक आपके पास इंटरमीडिएट सिस्टम्स होते हैं रूटर्स हो गए स्विचेस हो गए इंटरमीडिएट डिवाइसेस ओके सो उनका ताल्लुक़ मोस्टली नेटवर्क लेयर एंड बिलो द नेटवर्क लेयर उनके साथ होता है जो इंटरमीडिएट डिवाइस होते हैं तो जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है इट एक्चुअली लाइज इन द एंड सिस्टम वो आपका सेंडर भी हो सकता है रिसीवर भी हो सकता है क्लाइंट भी हो सकता है सर्वर भी हो सकता है एन पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ दैट इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके सो वी हैव होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेसन एंड वी आल्सो हैव अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेसन सो इट एक्चुअली प्रोवाइड अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्यूनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन्स बिटवीन टू एप्लीकेशन लेयर एक एप्लीकेशन लेयर इज़ गोइंग टू बी लोकेटेड ऑन वन लोकल होस्ट वाइल द अदर एप्लीकेशन लेयर इज़ गोइंग टू बी ऑन द अदर होस्ट जिसको आप रिमोट होस्ट भी कह सकते हैं तो आपको पता है कि एक सिस्टम पे एक टाइम पे मोर देन वन प्रोसेस रन कर रहे होते हैं सो इफ़ वी वांट दिस प्रोसेस विच आर रनिंग एट डिफरेंट होस्ट टू कम्युनिकेट विद वन एन अदर ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू प्रोसेस और एप्लीकेशन रनिंग एट डिफरेंट होस्ट जब हम बात करते हैं लॉजिकल कनेक्शन की तो इसका मतलब है कि द टू एप्लीकेशन लेयर्स कैन बी लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब दे विल एज्यूम देयर इज एन इमेजिनरी डायरेक्ट कनेक्शन थ्रू विच दे कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज यानी लॉजिकल कनेक्शन का मतलब है कि जो आपके पास दो कम्युनिकेशन एंटिटीज़ हैं जो कि लाई करती है समवेयर इन द ग्लोब एट डिफरेंट लोकेशंस दे वेल एज्यूम के वेन दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट दे दिल एज्यूम के यहाँ पर कोई इमेजनरी डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि इस्टेब्लिश हैं एंड जिसके जरिए ये अपने मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं हा इन रियलिटी देर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन दिस इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन बट द फीलिंग इज़ लाइक यू हैव अ डायरेक्टली इमेजनरी कनेक्शन बिटवीन देंडर एंड द रिवर ओके नाउ जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सेंडिंग साइड पे क्या करता है ऑन द सेंडिंग साइड जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है इट विल कन्वर्ट द एप्लीकेशन लेयर मैसेजेस, इट रिसीव द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस इनटू अ ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट आपको पता होगा कि डेटा को डिफरेंट लेयर्स पे हम डिफरेंट नाम्स देते हैं सो इट द ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज़ कॉल सिगमेंट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टीसीपी प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली सो दैट इज़ अ सिगमेंट सॉरी तो ट्रांसपोर्ट लेयर की लोकेशन कहाँ पे है इट इज़ इन बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क लेयर तो सेंडिंग साइड पे ये क्या करेगा इट विल रिसीव डेटा फ्राम द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस राइट और फिर उस एप्लीकेशन मैसेज जो कि यह रिसीव करता है उसको यह कन्वर्ट करेगा इन टू ट्रांसपोर्ट लेयर सिगमेंट दिस इज द प्रोसेस एट देंडिंग साइट अब किस तरह टी सी पी इसको अचीव करता है दैट इज अचीव बाई ब्रेकिंग द एप्लीकेशन मैसेजिज अगर मैसेज इफ इट इज़ लॉन्गर अवेलेबल सेगमेंट साइज तो ये उसको स्मालर चंक्स में डिवाइड करेगा यानी एप्लीकेशन लेयर के डेटा को इट विल डिवाइड इट इनटू स्मॉलर चंक्स और दूसरा काम ये क्या करेगा इट विल ऐड अ ट्रांसपोर्ट लेयर द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट तो सेगमेंट में आपके पास दो चीज़ें हो गई Part of the actual data that it received from the application layer, <coughs> plus some extra information in the form of header, which is attached with each and every chunk of the data, in order to create a transport layer segment. So, segment has two things: actual data plus some extra control information in the form of the header. अब ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे ही सेगमेंट को क्रिएट करता है इट देन दैन डेट सेगमेंट टू द नेटवर्क लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर खुद एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करता है चंक्स में उसको ब्रेक करता है हर एक चंक के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करता है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं एंड देन द सेंडिंग साइट उस सेगमेंट को हम नेटवर्क लेयर के हवाले कर देते हैं एट द सेंडिंग साइट अब नेटवर्क लेयर पे क्या होगा उस सेगमेंट को हम मज़ीद कैप्सुलेट करते हैं विद इन अ नेटवर्क लेयर पैकेट जिसको हम डेटाग्राम कहते हैं और फिर उसको हम सेंड करते हैं टू वर्ड द डेस्टिनेशन दिस इज़ द प्रोसेस एट द सेंडिंग साइट ऑफ द टी अगर हम बात करें रिसीविंग साइट की तो रिसिविंग साइट पर जो नेटवर्क क्लियर है इट विल एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर सिगमेंट फ्राम द डेटाग्राम और फिर उस सिगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले करेगा <coughs> फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा इट विल प्रोसेस द रिसीव सिगमेंट फिर मैकिंग द डेटा इन दिगमेंट अवेलेबल टू द एप्लीकेशन ले एप्लीकेशन लेयर सो रिसिविंग साइड पे द प्रोसेस इज अपोजिट यहाँ पर हम सिगमेंट्स को एक्सट्रैक करते हैं फ्राम द ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट और फिर उसमें से उस सेगमेंट में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आ, जो आ, जो अवेलेबल एप्लीकेशन है जिसके लिए वो डेटा आया है हम उसके हवाले कर देते हैं आ, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है टू रिमेंबर एंड देट इसके सॉरी जो आपके पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं लाइक रूटर्स

उसको देखते नहीं हैं उसको इग्नोर करते हैं राइट right? जिस तरह हर एक लेयर पे हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सेम इज़ द केस विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द ट्रांसपोर्ट लेयर जो दो कॉमन प्रोटोकॉल हमारे पास अवेलेबल हैं दे आर कॉल द टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यू डी पी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल राइट ओके

जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड कर सकता है सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इज कॉल्ड द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट ड्यूटी Of the transport layer protocol to provide process-to-process -process communication. Now, what is a process? Up simply process ko it is an application layer entity. When we talk about application layer entity, we are actually referring to the running program that are going to use the services of the transport layer. So actually, the transport layer is responsible for

थ्री डॉट्स का मतलब है कि देयर आर मोर देन टू प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम नाउ दिस प्रोसेस इज वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद वन एन अदर राइट तो अगर आप कंपेयर करें नेटवर्क लेर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद द ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैन सी द डिफरेंस ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डोमेन है देर इज ऑनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन होस्ट एंड एन अदर होस्ट तो होस्ट के दरम्यान कम्युनिकेशन लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर के डोमेन को देखें सो दैट इज़ मच वाइडर दैन द नेटवर्क लेयर डोमेन बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या करते हैं वी आर एक्चुअली फेसिलिटेटिंग द प्रोसेस इज़ रनिंग ऑन द डिफरेंट होस्ट टू कम्युनिकेट विद वन एन अदर सो जब हम बात करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की वी एक्चुअली रिफर टू द एप्लीकेशन लेयर एंटिटीज़ the running programs at the different host that want to communicate with one another. So the first service provided by any transport layer protocol is to provide the process to process communication and processes are actually running programs uh, that uses the services of the transport layer. So Jobi transport layer protocol Hoga it it will be responsible for the delivery of the messages to appropriate processes that are running on different hosts. Okay. Uh, so this is an abstract level view, process-to-process -process communication. Actually, is process-to-process -process communication ko effective banane ke liye We need some sort of addresses. Okay. Uh, so a uh, computer. एज वी मैंशन कैन रन सेवरल प्रोसेस एट द सेम टाइम फॉर कम्यूनिकेशन वी मस्ट डिफाइन द लोकल होस्ट लोकल प्रोसेस रिमोस्ट रिमोट होस्ट एंड रिमोट प्रोसेस वी मस्ट नीड अ वे टू डिफाइन दैम टू डिफरेंसीट दैम विद वन एन अदर तो अगर हम होस्ट की बात करते हैं तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज वी यूज

द साइज इज टू बाइट्स और सिक्सटीन बिट्स सो पोर्ट नंबर आर एक्चुअली एंटीज बिटवीन दिस रेंज नाउ जो आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसमें जो क्लाइंट प्रोसेस होगा प्रोग्राम होगा इट डिफाइंस इट्स सेल्फ विद अ पोर्ट नंबर जिसको हम शॉर्ट लिफ पोर्ट नंबर कहते हैं और ये जो पोर्ट नंबर्स हैं दे आर रिकमेंडेड टू बी ग्रेटर दैन वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री फॉर सम क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम प्रॉपरली और जो आपके पास सर्वर प्रोसेस हैं इट मस्ट आल्सो डिफाइन इट्सल्फ विद अ पोर्ट नंबर यानी पोर्ट नंबर क्लाइंट प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है और सर्वर के लिए भी जरूरी है क्लाइंट कैन रेंडमली सेलेक्ट लेकिन जो सर्वर प्रोसेस हैं उनके जो होस्ट जो पोर्ट नंबर्स हैं उनको हम रेंडमली चूज़ नहीं करते उसके कुछ रीजंस हैं फॉर एग्जांपल, सर्वर के पोर्ट नंबर वेल नोन होने चाहिए क्योंकि अगर आपको लेट्स सपोज एच है एफ है एस है दे आर वेल नोन प्रोटोकॉल्स उनके पोर्ट नंबर हमें पहले से पता होने चाहिए होस्ट को सिस्टम्स को पता होने चाहिए एंड अलर टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइंट प्रोसेस की तो वहाँ पे द पोर्ट नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ रेंज ऑफ नंबर्स एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तो जो आपके पास पोर्ट नंबर्स हैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं आई इन्होंने पोर्ट नंबर्स को डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेंज आर मैंशनड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पोर्ट नंबर इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट नंबर एंड द रेंज इज़ फ्रॉम जीरो से लेकर वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तक सो दिस रेंज इज़ कॉल्ड वेल नॉन पोर्ट नंबर ये जो रेंज हैं इट इज़ कंट्रोल बाई आई कैन दे आर असाइंड एंड कंट्रोल बाई आई कैन राइट right? और इनको हम पोर्ट वेल नोन पोर्ट नंबर्स कहते हैं जो आपके पास सेकंड कैटेगरी है पोर्ट नंबर की इनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स एंड देर रेंज इज फ्राम वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर से लेकर 49,151 थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन दे आर एक्चुअली नॉट असाइंड नॉट कंट्रोल बाय द आई दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद द आई टू प्रिवेंट डुप्लीकेशंस इफ़ यू वांट टू यूज वन ऑफ टाइम यू हैव टू रजिस्टर्ड विद द आई केन राइट जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कैटेगरी है दैट इज द थर्ड वन जिसको हम डाइनमिक कहते हैं या प्राइवेट कहते हैं एंड द रेंज इज़ फ्राम फोर्टी नाइन वन फाइव टू अपू सिक्सटी फाइव फाइव थ्री फाइव सिमिलर टू रजिस्टर्ड पोर्ट दे आर नॉट कंट्रोल नॉट रजिस्टर्ड बाई द आई कैन इसको रजिस्टर्ड भी नहीं करना पड़ता Uh, they can be used as temporary or private port number so if you want for example to practice agarapko socket programming network programming kerneha and you want to use some, some port number so you have to select one of the port number from this range that is the private or dynamic ports one of the concept related with the socket uh, related with the port number is the socket addresses इट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ द आई पी एड्रेस एलॉन्ग विद द पोर्ट नंबर यानी आई पी एड्रेस और पोर्ट नंबर को जब आप कंबाइन करते हैं तो इसके कम्बीनेशन से जो एड्रेस मिलता है उसे हम कहते हैं सॉकेट एड्रेस हेयर यू कैन सी वी हैव एन आई पी एड्रेस एलॉन्ग विद द पोर्ट नंबर इसको अगर आप कम्बाइन करें यूट दॉकेट एड्रेस एंड इफ़ यू रिमेंबर जिस तरह मैंने आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग का बताया नेटवर्क प्रोग्रामिंग का बताया तो वहाँ पे हम इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो इन समरी जिस तरह हर एक होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड आई पी इसी तरह हर एक प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड पोर्ट नंबर्स और पोर्ट नंबर्स को हम डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करते हैं उसमें से एक वेल well नोन है एक रजिस्टर्ड है एंड द थर्ड वन इज़ प्राइवेट वेल नोन जो आपके पास वेल नोन प्रोटोकॉल्स हैं लाइक एच टी टी पी लाइक एफ टी पी लाइक एस एम टी पी आई पॉप वगैरह दे आलवेज़ यूज़ द वेल नोन पोर्ट नंबर रजिस्टर्ड उनको जो है आई कैन के साथ रजिस्टर्ड करना होगा इफ़ यू टू यूज़ दम और जो डायनामिक और प्राइवेट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है उसको आई कैन कंट्रोल भी नहीं करता यू कैन यूज़ दैम फॉर योर ओन प्रोग्रामिंग so this was something about the port numbers and process to process communication that is the first service provided by the transport layer to the application layer <coughs> the second service provided by the transport layer is the encapsulation and decapsulation well encapsulation ka pata hoga ki kehte hain हम पहले भी इस पर लेक्चर्स में बात कर चुके हैं बट लेट मी रिवाइज इनकेप्सुलेशन इज एक्चुअली लाइक वेन अ प्रोसेस हैज़ अ मैसेज टू सेंड तो वो क्या करेगा इट पास द मैसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ सॉकेट रेसेज नाउ यू नो यूनोवर्ड इज सॉकेट रेसेज एंड आल्सो सम अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे ही डेटा को रिसीव करता है इट विल एड द ट्रांसपोर्ट लेर हैडर एट वी जस्ट टॉक अबाउट तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकेप्सुलेशन यानी आपको एप्लीकेशन लेयर से डेटा मिला आपने अपनी कंट्रोल और हैडर इंफॉर्मेशन उसके साथ एड की टू फॉर्म अ सीगमेंट एंड फिर आपने उसको जो है वह नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया

कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है टू द टू द नेटवर्क लेयर सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन कैप्सुलेशन एडिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन द हैडर इंफॉर्मेशन द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन विद द डेटा दैट इट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज द इन सो इन अकर एट देंटर साइट वाई जिस तरह मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू ट्रांसपोर्ट लेयर एट टू डिफरेंट होस्ट सो हेयर यू सी द लॉजिकल कनेक्शन द कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर एट अ लॉजिकल चैनल रिसीविंग साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट विल एक्चुअली रिमूव दिस है फ्रॉम द पेलोड एंड विल हैंड ओवर द पेलोड टू द अप्रोप्रिएट प्रोसेस by using the socket addresses or the port numbers it will know to which process I, I need to hand over the data so this process is actually called decapsulation so encapsulation and decapsulation is another service that is provided by the transport layer to the application layer. Encapsulation is something which is related with the at the, at the, at the sender side while decapsulation occurs at the receiving site, adding extra information, control information, and removing control information. That is the process of encapsulation and decapsulation. Third service provided by the transport layer to the application layer is called multiplexing and demultiplexing. Uh, whenever an entity Accept items from more than one source. The concept is referred to as multiplexing. Multiplexing means many to one. So whenever an entity accepts items from more than one source, more than one source. That is called multiplexing. And whenever an entity delivers item to more than one source, deliver more than one source that process is called demultiplexing demultiplexing mean one to many so they are like uh, opposite of one another accepting from more than one source multiplexing delivering to more than one sources demultiplexing transport layer at the source actually performs the multiplexing while transport layer at the destination actually performs the demultiplexing. And here is an example. Uh, the figure shows communication between a client and two servers. And we have three client processes. They are running at the client. The name of the processes are P1, P2, and P3. सो हेयर वी हैव द एप्लीकेशन लेयर एंड वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं पी वन के मैसेज को हम एम वन कहते हैं पी टू के मैसेज को एम टू वाइल पी थ्री इज एम थ्री यानी एक ही सिस्टम पर डिफरेंट प्रोसेस मैसेज को जनरेट कर रहे हैं वाइल इट द ट्रांसपोर्ट लेयर हम क्या कर रहे हैं हम इन तीनों मैसेजेस को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं इन टू इन टू अ पैकेट फॉर एग्जांपल पैकेट वन पैकेट टू एंड पैकेट थ्री सो दिस इज़ एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग मैनी प्रोसेस के डेटा को हम एक्चुअली एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर के ज़रिए हैंडल कर रहे हैं सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेट वन इज़ फॉर सर्वर वन पैकेट टू इज़ फॉर सर्वर टू एंड पैकेट थ्री इज़ अगेन फॉर सर्वर वन और पी वन एंड पी थ्री आर ऑन सर्वर वन वाइल पी टू इज़ ऑन सर्वर टू तो यहाँ पे अगर आप देखें नाउ uh, अगर हम रिसीविंग साइड की बात करें तो यहाँ पे द प्रोसेस इज़ डी मल्टीप्लेक्सिंग राइट सो आपको एक पैकेट मिला देन यू हैव टू डिसाइड कि उस पैकेट का रिसीवर P1 है या P3 है और P2 है इन दिस केस सो हियर एट द रिसीविंग साइड द प्रोसेस इज अपोजिट एंड दैट इज़ द डी मल्टीप्लेक्सिंग, राइट सो इन समरी इफ यू आर एक्सेप्टिंग आइटम्स फॉर फ्रॉम मोर देन वन सोर्स द प्रोसेस इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, एंड इफ यू आर डिलीवरिंग आइटम टू मोर देन वोर्सेस The process is demultiplexing, and it is actually a service that is provided by the transport layer to the application layer. Fourth service, <coughs> and that is called flow control.

इस केस में नुकसान क्या होगा द स्टूडेंट विल मिस मैनी यूजफुल पॉइंट्स पैकेट्स लॉस होंगे एट द रिसीविंग साइट इफ द स्पीड ऑफ द सेंडर इज मोर देन द स्पीड ऑफ द रिसीवर राइट अब एक दूसरे एंगल से इस प्रॉब्लम को देखें लेक्चर <coughs> जो है वो लेक्चरर जो है वो बहुत स्लोली लेक्चर को डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट एक वर्ड लिख लेते हैं एंड देन दे आर वेटिंग के कब टीचर जनाब जो है वो दूसरा वर्ड जो है वो तनावल फरमाएंगे वो पेश करेंगे सो देयर इज़ लाइक डिले बिटवीन द वर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बाय द लेक्चरर सो उस केस में क्या होगा कि टाइम वेस्टेज बोरियत होगी स्टूडेंट को सो दोनों केसेस देव डिसएडवान्टेज राइट एक केस में जो है वो पैकेट लॉस हो रहे हैं और दूसरे में बहुत ज़्यादा डीले है एंड वी नीड टू गेट राइट बोथ फ्रॉम बोथ ऑफ दैम लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं वो जिसमें लॉस्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं नाउ जनरली स्पीकिंग फ्लो कंट्रोल इज़ लाइक दिस वेन अवर एडेंटिटी प्रोड्यूसिस आइटम्स एंड एन अदर एंडिटी कंज्यूम्स द आइटम दे आर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज़म्पन रेट्स जो लैक्चर लेक्चर डिलीवर कर रहा है देर इज़ द प्रोडक्शन जो स्टूडेंट्स लैक्चर्स को नोट कर रहे हैं देर इज द कंजम्पन्स सो प्रोडक्शन और कंज़म्पन्स में बैलेंस होना चाहिए अगर आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैं फास्टर तो जो कंज्यूमर है दे विल दे विल ओवर वैनी एंड मे नीड टू डिस्कार्ड सम आइटम जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी और ऑन द अदर साइड अगर आइटम्स दे आर प्रोड्यूस्ड मोर स्लोली लेक्चर बहुत स्लोली डिलीवर कर रहा है कोई रिसोर्स पर्सन तो उस केस में क्या होगा कंज्यूमर हैज़ टू वेट एंड सिस्टम बिकम लेस एफिशेंट आप रिसोर्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सिस की सो नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो फ़्लो कंट्रोल है इट विल फोकस ऑन द फर्स्ट इशू जहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है दैट इज़ फास्टर दैन द कंजम्पन्स कन्जम्शन रेट सो वी आर एक्चुअली जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं सो वी एक्चुअली रिफर टू द फर्स्ट इशू जहाँ पे प्रोडक्शन रेट ज़ फास्टर देन द कंजम्शन रेट ओके ग्राफिकली इसको uh, समझने के लिए यू कैन सी द फिगर हेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं so actually uh, we are dealing with four entities and those entities are sender process sender transport layer receiver transport layer and receiver process okay let me revise uh, we are dealing with four entities two at the sender side two at the receiver side sender side pe <coughs> सेंडर प्रोसेस है और सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर है रिसीविंग साइड पे रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर है और रिसीविंग रिसीवर प्रोसेस है इज़ एट द एप्लीकेशन लेयर जो सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर है हेयर इसका रोल आप देख सकते हैं डबल है इसका रोल कंज्यूमर का भी है और इसका रोल प्रोड्यूसर का भी है

एट ए ब्रॉडर लेवल वी हैव फोर एंटिटीज सेंडर प्रोसेस सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर एंड रिसीविंग प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हैं इट वर्क एज अ कंज्यूमर एट प्रोड्यूसर एट बोट दाइट जबकि सेंडिंग साइड पर एप्लीकेशन लेयर के जो का जो प्रोसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोड्यूसर हैं और रिसीविंग साइड पे जो प्रोसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर है तो सेंडिंग साइड पे जो प्रोसेस है इट एक्चुअली प्रोड्यूसिस द डेटा दैर इज़ वाइट इज कॉल प्रोड्यूसर प्रोसेस के साथ कोई मैसेज है कोई पैकेट है कोई डेटा है और वो सेंड करने जा रहा है इट विल एक्चुअली पुश द मैसेजिज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर बिकॉज इट यूजिज दर्विसज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर डिलीवरी फॉर डिलीवरी ऑफ द पैकेट टू द रिसीविंग प्रोसेस अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले क्या कर रहा है डेटा को कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड देन इट प्रोड्यूसिस दिगमेंट्स एंड इट हैंड ओवर द पैकेट्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द रिसविंग साइट अब रिसिविंग साइट पे ट्रांसपोर्ट लेयर एक तरफ तो पैकेट कंज्यूम कर रहा है फ्राम द ट्रांसपोर्ट लेयर एट देंडर साइड और दूसरी तरफ पे ये पैकेट्स ये सेगमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के बाद हेडेस को रिमूव करने के बाद डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको हैंड ओवर कर रहा है पुल्ड कर रहा है टू द अप्रोप्रिएट प्रोसेस तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोड्यूस कर रहा है फ़ॉर द एप्लीकेशन लेयर फॉर द प्रोसेस और यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोसेस है वो एक्चुअली डेटा को कंज्यूम कर रहा है सो कमिंग टू द फ्लो कंट्रोल

ट्रांसपोर्ट लेयर हैं इट विल टेल द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर टू बैलेंस द फ्लो सिमिलरली जो सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर है इट इट विल टेल द सेंडिंग एप्लीकेशन लेयर टू बैलेंस द फ्लो कंट्रोल सो फोर एंटिटीज़ हैं एंड दो जगहों पर हमें फ़्लो कंट्रोल चाहिए एट द ट्रांसपोर्ट लेयर सो दिस वाज समी about the flow control at the transport layer. Now more technically <coughs> <coughs> kis is flow control ko hum handle karte hain at the transport layer. So there are different ways to actually deal with the flow control. And one of the most common method is is the use of the buffer. तो आप कह सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ नॉर्मली यूज इस कॉल द बफरिंग जिसमें हम दो बफर को यूज़ करते हैं वन एट द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द अदर बफर एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर बफर को आप कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड पैकेट्स एट द सेंडर एंड द रिसीवर साइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बफर किस तरह काम करते हैं इन अ वेरी सिंपल वे वैन द बफर ऑफ द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर एग्जाम्पल वन इट बिकम फुल इट विल इन्फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर टू स्टॉप पासिंग चंक्स ऑफ मैसेजेस बट वैन देर आर सम वैकेंसीज अवेलेबल इन द बफर इट विल इन्फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर दैट इट कैन कंटिन्यूसली पास द मैसेजेस चंक्स अगेन सो इफ यू हैव स्पेस अवेलेबल इन द बफर यू विल एक्सेप्टिंग पैकेट्स But if you have no space available, no rooms available in the buffer, you will inform the process to stop sending further messages. So, flow control is actually implemented with the help of buffers. <coughs> Another service provided by the transport layer is called the error control.

सेंडिंग साइड पे एप्लीकेशन को रिलायबिलिटी चाहिए तो वो रिलायबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करेगा बिकॉज इसके नीचे नेटवर्क लेयर पे हमारे पास आईपी है विच इज़ अन सो एरर कंट्रोल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल हम एरर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड डिस्कार पैकेट्स स्पेशली अगर आप लोग वायरलेस नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं सो देयर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से आपके पैकेट्स आपके डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है <coughs> अब अगर कोई सेगमेंट कोई पैकेट कोई डेटा करप्ट कर जाए सो फर्स्ट वी नीड अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट The packet has been corrupted, and then we need a mechanism to discard the corrupted packet. So that is the responsibility which comes under the umbrella of error control, detection and discussion of corrupted packet. Second, uh, we need to keep track of the lost and discarded packet in order to resend them. Calls a packet loss who we had during transmission due to any reason. और कौन से पैकेट्स हमने डिस्कार्ड किए हैं सो इन बोथ ऑफ द केसिस वी नीड अ मेकानिज़म टू कीप ट्रेक ऑफ द लॉस्ट पैकेट्स एज वेल एज द डिस्कार पैकेट सो दैट वी कैन री सेंड दैम लेट सपोज सेंडर के पास पैकेट हैं वन टू थ्री आप किसी वजह से पैकेट टू लॉस कर जाएँ या पैकेट टू डिस्कार कर जाएँ सो आप किस तरह सेंडर को बताएँगे इंफॉर्म करेंगे कि पैकेट नंबर टू को दोबारा रीसेंड किया जाए सो वी नीड अ मैकेनिज्म एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड विद द एरर कंट्रोल अनदर रिस्पांसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिकॉग्निशन ऑफ द डुप्लीकेट पैकेट्स डुप्लीकेट पैकेट्स आपको पता होगा सेम पैकेट की मल्टीपल देयर आर चांसेस के रिसीवर को एक पैकेट दो तो दफ़ा मिल जाए तीन दफ़ा मिल जाए अब अगर सेम डेटा की कॉपीज उसको बार बार मिल रही हैं So we need a mechanism to detect the duplicate copies and then discard them because we don't we are not interested in having the same copy multiple copies of the same data. <coughs> so we need a mechanism to discard them. So recognition of duplicate packets is another responsibility. And also out of order packets ko kistara handle karna hai at the receiving side For example, again, let us take a simple example. अब सेंड कर रहे हैं पैकेट वन टू थ्री लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस फॉर एग्जांपल पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट रूट को फॉलो कर रहे हैं पैकेट वन रिसीवर को मिल गया अब पैकेट थ्री मिल गया पैकेट टू नहीं मिला सो रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टिंग पैकेट टू वाई इट गेट पैकेट थ्री अब रिसीवर क्या करेगा दरमियान में एक पैकेट मिसिंग है सो इट नीड टू बफर द टू पैकेट्स अनटिल द मिसिंग पैकेट विच इज़ पैकेट नंबर टू दैट अराइव एट द डेस्टिनेशन सो इन पैकेट्स को आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को बफर करना फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और मिसिंग पैकेट के लिए वेट करना देट इज़ आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एयर कंट्रोल मेकेनिज्म इन आवर केसेस जो रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट विल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एयर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरह इट विल इनफॉर्म देंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं हो सकता है कि कोई पैकेट इसको ना मिले हो सकता है कोई डुप्लीकेट पैकेट मिल जाए आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट मिल जाए हो सकता है कोई पैकेट लॉस कर जाए वगैरह वगैरह सो देट इज़ नॉर्मली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिसिविंग ट्रांसपोर्ट लेयर टू इन्फॉर्म देंडिंग ट्रांसपोर्ट लेर अबाउट द प्रॉब्लम एंड वेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आप लोग देख सकते हैं कि वी हैव अ सेंडर, वी हैव अ रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर्स, एंड द पैकेट इज सेंड फ्रॉम द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर टू द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द इरर कंट्रोल इज फ्रॉम द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर टू द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर नाउ अब इट मोर टेक्निकल किस तरह हम एयर कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं

विच पैकेट नीड्स टू बी रिस ट्रांसमिटेड एंड द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली नोस नीड टू नो विच पैकेट आर अराइव्ड मल्टीपल टाइम्स यानी वो डुप्लीकेट हैं या वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं तो इन इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं देट इज़ कॉल्ड सिक्वेंस नंबर इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी पैकेट्स हैं जो हम सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर उनको हम एक यूनिक सीक्वेंस नंबर देते हैं ये सीक्वेंस नंबर रिसीवर को अलाउ करता है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैकेट किस नंबर वाला पैकेट करप्ट हुआ है किस नंबर वाला पैकेट लॉस हुआ है या कौन सा जो है वो डुप्लीकेट है या कौन से आउट ऑफ ऑर्डर मिले हैं सो बाय यूजिंग द सीक्वेंस नंबर जो रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर हैं इट कैन सम हाउ द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर टू री सेंड द पैकेट जिसमें प्रॉब्लम है बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस नंबर इसी तरह सीक्वेंस नंबर के ज़रिए आप डुप्लिकेट पैकेट्स को भी जो है वो हैंडल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एक पैकेट का सीक्वेंस नंबर है ट्वेंटी वो दो दफ़ा मिल जाए तो रिसीवर को पता होगा कि ट्वेंटी तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है ये मुझे दोबारा मिल रहा है सो आई नीड टू डिस द सेम पैकेट विच आई रिसीव मल्टीपल टाइम्स इसी तरह जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स हैं उनको रिकगनाइज़ करना भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर्स राइट जिस तरह मैंने बताया वन टू थ्री है वन थ्री मिल गया टू नहीं मिला फो देर इज़ अ गेप सो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को बफर किया जाता है फॉर सम टाइम और सेंडर को इन्फॉर्म किया जाता है कि किस सीक्वेंस वाला पैकेट अभी तक रिसीवर को नहीं मिला सो सीक्वेंस नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट इन एरर कंट्रोल मकैनिज़म इसी तरह सीक्वेंस नंबर के अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्नोलॉलेजमेंट विच इज़ ऑलवेज फ्राम द सॉरी रिसीविंग साइट एक्नोलेजमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है

ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा टू द सेंटर हे आई हैव रिसीव पैकेट वन पैकेट टू मिल गया इट विल सेंड अनदर एक्नॉलेजमेंट हे आई हैव रिसीव पैकेट नंबर टू एंड सो ऑन तो अगर कोई करप्टड पैकेट है तो हो सकता है कि रिसीवर उसको सिंपली डिस्कार्ड कर लें अब सेंडर जो है वो किस तरह लॉस पैकेट को डिटेक्ट करेगा द सेंडर कैन एक्चुअली यूज़ अ टाइमर जैसे ही सेंडर कोई पैकेट सेंड करता है स्टार्ट अ टाइमर अगर उस टाइमर so स्टार्ट करने के बाद टाइमर एक्सपायर होने से पहले उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए सो ये आइडेंटिटी है कि द पैकेट हैज़ बीन अराइव सक्सेसफुली लेकिन टाइमर स्टार्ट करने के बाद टाइमर एक्सपायर होने तक इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला और टाइमर टाइमर एक्सपायर हो गया सो जिस इज एन आइडेंटीफिकेसन के समथिंग हैज़ सम गोज रो विद द पैकेट तो अब सेंडर क्या करेगा उसी पैकेट को दोबारा सेंड करेगा री सेंड करेगा राइट right? इसी तरह डुप्लीकेटेड पैकेट अगर हैं तो उसको रिसीवर साइनली डिस्कार्ड करता है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को या तो डिस्कार्ड करेगा या कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करेगा अनटिल द मिसिंग पैकेट हैज़ बीन अराइव्ड सो एक्नोलिजमेंट सिक्वेंस नंबर एंड द यूज़ ऑफ टाइमर दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर एयर कंट्रोल मेकानिज़म सो नॉर्मली एट द टी सी पी वी एक्चुअली आई यूज़ द कंबीनेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल एंड एयर कंट्रोल मेकानिज़म विद द हेल्प ऑफ बफर्स हम क्या करते हैं फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एंड एक्नोलिजमेंट नंबर वी एक्चुअली डील विद द एयर कंट्रोल अनदर कॉन्सेप्ट अनादर सर्विस प्रोवाइडेड बाई द ट्रांसपोर्ट लेयर इस कॉल द कंजेशन कंट्रोल और इस पर हम पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेक्चर उस पर हम मजीद बात करेंगे कि कंजशन कंट्रोल किसे कहते हैं

इस तरह रोड्स की अगर आप मिसाल ले लें लेट सपोज़ कहीं पर uh, किसी रोड की जो 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 कैपेसिटी है नंबर ऑफ लेंस जो हैं वो थ्री हैं एंड द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल्स इज़ फॉर एग्जांपल इट कैन निकम पर किलोमीटर जो है वो हंड्रेड व्हीकल्स हम एकमोडेट कर सकते हैं तो अगर हंड्रेड से ज़्यादा व्हीकल्स होंगे सो द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी कन्डिशंस ऑन ऑन द हाई राइट सो सेम इज़ द केस विद द नेटवर्क जो नेटवर्क का लोड है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है जितने नंबर ऑफ पैकेट्स वो सेंड कर सकता है उससे अगर पैकेट्स ज़्यादा कर जाएँ सो ऑबियसली नेटवर्क इज़ गोइंग टू बी कंजस्टेड अब इस कंजिशन को कंट्रोल करने के लिए जो मकैनिज़म और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इनऑर्डर टू कंट्रोल कंट्रोल द कंजेशन एंड कीपो एंड कीप द लोड बिलो द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क एक्चुअली द कंजेशन कंट्रोल यानी कंजेशन कंट्रोल में हम इस तरह के मेकानिज़म और टेक्निक्स को यूज करते हैं जिसके जरिए हम एक्चुअली कंट्रोल करते हैं कंजेशन को और नेटवर्क के लोड को बिलो रखते हैं फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क ओके सो कंजन एक्चुअली इन अ नेटवर्क इट अकर्स बिकॉज जो आपके पास रूटर्स हैं स्विचेज हैं

सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक्चुअली जो कंजेशन है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंजेशन एट द नेटवर्क लेयर क्योंकि वहाँ पे वी आर डीलिंग विद रूटर स्विचेज एंड अदर इंटरमीडियट डिवाइस एंड दे हैव क्यूज देव बफर्स देव लिमिटेड कैपेसिटीज़ तो वहाँ पे कंजेशन अगर होगी तो नेटवर्क लेयर uh, पे अगर कंजेशन है तो उसका एंड इफेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे पड़ेगा उसका एंड इफेक्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे पड़ेगा सो कंजेशन कंट्रोल में हम इस तरह की मैकेनिज्म और टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ते हैं जिसमें हम uh, जो कंजेशन है उसको कंट्रोल करते हैं उसको हम कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क से बिलो रखते हैं सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द कंजेशन कंट्रोल दिस इज़ आल्सो अ सर्विस व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर ओके ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स uh, रिलेटेड हैं उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते बट टू गिव यू एन आइडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट लेयर को जब भी हम स्टडी करते हैं हम दो तरह की सर्विस uh, देखते हैं या प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं एक को हम कहते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज़ आर प्रोटोकॉल और एक को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स आर सर्विसेज जब हम बात करते हैं कनेक्शन लेस सर्विस की तो कनेक्शन लेस सर्विसज में जो आपके पास सोर्स प्रोसेस हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम है इट एक्चुअली नीड्स टू डिवाइड द मैसेज इन टू ऑफ डेटा ऑफ अ साइज दैट इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेबल बाई द ट्रांसपोर्ट लेयर और उनको डिलीवर करना टू द ट्रांसपोर्ट लेयर वन बाई वन कनेक्शन लेस सर्विसेज में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट एक्चुअली ट्रीट्स एक चंक एज अ सिंगल यूनिट उसमें दो पैकेट्स के दरमियान दो चंक्स ऑफ डेटा के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता राइट सो इट शो इंडिपेंडेंसी ऑफ पैकेट्स राइट ये जिसमें पैकेट्स का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता सो वी कैन से जो कनेक्शन लेस सर्विसेस हैं Uh, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती कोई नंबरिंग स्कीम हम उसमें यूज़ नहीं करते कोई फ्लो कंट्रोल मेकानिज़म हम उसमें यूज़ नहीं करते कोई एरर कंट्रोल मेकानिज़म हम उसमें यूज़ नहीं करते कोई कंजेशन कंट्रोल मेकानिज़म हम उसमें यूज़ नहीं करते तो अगर आपको स्पीड चाहिए यू आर नॉट वरी अबाउट द फ्लो कंट्रोल अबाउट द कंजशन कंट्रोल अबाउट द इर कंट्रोल अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ द पैकेट द कॉर्डिनेशन अमॉंग द पैकेट सो यू कैन गो फॉर द कनेक्शन हाउ एवर ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कनेक्शन और दे आर मोर सोफिसटेड इसमें जब भी आपको डेटा सेंड करना होगा सबसे पहला यूनिट टू इस्टेबलिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज जो डेटा एक्सचेंज है देट विल ओनली हैपन आफ्टर द कनेक्शन हैज सक्सेसफुली इस्टब्लिश और डेटा को एक्सचेंज करने के बाद यू हैव टू टियर डाउन द कनेक्शन यानी डेटा को सेंड करने से पहले यू नीड टू इस्टबलिश द कनेक्शन एंड डेटा को सेंड करने के बाद यू नीड टू क्लोज द कनेक्शन इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज तो अगर आपको फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए एरर कंट्रोल मेकेानिजम चाहिए कंजेशन कंट्रोल मकैनिज चाहिए और रिलायबल सर्विसेज चाहिए सो कनेक्शन ओरिएंटेड इज़ द ऑप्शन. फिर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम कहते हैं टीसीपी एंड यूडीपी. बट वी आल्सो हैव सम अदर प्रोटोकॉल्स, जिनको हम कहते हैं जनरल प्रोटोकॉल दिस प्रोटोकोल एक्चुअली गिव यू अ बेटर अंडरस्टेंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इट इज़ लाइक द सिम्पलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इनको हम जनरल प्रोटोकॉल्स कहते हैं और वो जनरल प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन कौन से हैं देट इज़ दॉप एंड वेट प्रोटोकॉल गो बेक एन प्रोटोकॉल सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल वाई डायरेक्शनल पिग बेग प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल्स और दे आर एक्चुअली सिंपल प्रोटोकॉल्स जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एक्चुअल प्रोटोकॉल्स को स्टडी करते हैं हम ओके अदर टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट लेयर आर सॉरी आर द यू डी पी एंड टी सी पी जो दो अहम प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से यू का आपको पता होगा कि देर इज़ एक्चुअली अ कनेक्शन लेस अनरिलाइबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जब हम बात करते हैं यू <laughs> की तो हम कहते हैं कि ये कनेक्शन लेस है और अनरिलाइबल है अन का मतलब है कि आप इस पर आप इस पे यह आपको गारंटी नहीं दे देता कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन uh, को ज़रूर मिलेगा इन ऑर्डर मिलेगा गारंटी नहीं देता कि आपको फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म मिलेगा गारंटी आपको नहीं देता कि आपके पैकेट्स में कोई रड़ कर नहीं होगा गारंटीड लेस प्रोटोकॉल है सो वाई वी नीड इट द ऑबियस आंसर इसके यू डी का जो ओवरहेड <coughs> है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है के okay? तो अगर आपको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए और स्पीड चाहिए लेस ओवर चाहिए सो यू विल हैव टू यूज़ द यू डी पी प्रोटोकॉल एंड मोस्टली वीडियोज़ वगैरह के लिए हम यू को यूज़ करते हैं